हेलो एवरीवन, आज हम लोग वर्ल्ड के बिगेस्ट क्रिसमस स्टोर जाने वाले हैं, जो कि फ्रैंकफर्ट में है। और फ्रैंकफर्ट में पूरा जो टाउन है वो पूरा जर्मन स्टाइल में बना हुआ है। तो मैं आपको टाउन का टूर भी कराने वाली हूँ और सबसे बड़ा बिगेस्ट क्रिसमस शॉप भी दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये जो क्रिसमस का शॉप है ना, यहाँ पे दूर दूर से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं फ्रैंकफर्ट में। तो बहुत ही प्यारा शॉप है ये। क्रिसमस में अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो इस शॉप में आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डेकोरेशन इतना प्यारा है यहाँ पे। और ये जो फ्रैंकफर्ट जगह है ना, ये पूरा क्रिसमस में सजा रहता है। इसे क्रिसमस स्ट्रीट भी बोलते हैं यहाँ पे। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी एक राउंड घुमा के। स्ट्रीट पूरा सजा रहता है, सबके घर के सामने अच्छा डेकोरेशन रहता है। यहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ओल्ड क्रिसमस विलेज में पहुँच गए। और ये सामने जो दिख रहा है वो शॉप है, वहाँ चलते हैं। तो हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिसमस शॉप में पहुँच गए हैं, तो चलिए चलते हैं। ये जो शॉप है ना, 320,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें 50,000 से भी ज़्यादा गिफ्ट आइटम्स रखे हुए हैं। जॉय, चलो शॉपिंग करेंगे, कार्ट ले लो। हाँ, यही वाला ले लो। बहुत ही प्यारा शॉप है यहाँ पे। जॉय के नाम का बहुत कुछ मिल जाता है। जॉय बताओ, आपके नाम का ढूंढो कुछ, एक सेकंड में मिल जाएगा यहाँ पे। जॉय मिल गया। इसका नाम लगते समय पता ही नहीं था कि जॉय क्रिसमस से रिलेटेड नाम है। जब यूएस आई तब पता चला कि जॉय क्रिसमस से रिलेटेड नाम है, क्योंकि हमेशा क्रिसमस के डेकोरेशन में जॉय लिखा हुआ मिल ही जाता है। तो इसको बहुत मज़ा भी आता है कि हर जगह यहाँ पे गिफ्ट में, या फिर स्ट्रीट हो गया, जॉय के नाम का स्ट्रीट भी होता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है इसको। यहाँ जॉय का मीनिंग कुछ जीजस से रिलेटेड है। जे से जीजस, ओ से अदर्स, वाई से यूअर सेल्फ, आई थिंक मुझे अंग्रेज ने मुझे ऐसा बताया था।
पे लाइन किस चीज के लिए लगी है? चलो पता करके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो लाइन लगी हुई है ना सेंटा के साथ फोटो खिंचाने के लिए, फ्री में, वो भी फ्री में हम सेंटा के साथ फोटो खिंचाने वाले हैं। टाइम प्रॉपरली लाइन लगा के सेंटा से मिलने जा रहे हैं, जो एक्साइटेड है। सेंटा के पास जा रहे हैं, गेट पे जा रहे हैं। शॉप के बाहर निकलते फ्रैंकमंट में जो लाइटिंग है वो देखते हैं। कार से जल्दी से दिखाने वाली हूँ मैं, तो थोड़ी ही देर में हम लोग चलते हैं कार से। इससे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ये लाइटिंग है, ये पूरी स्ट्रीट जर्मन स्टाइल में बनी हुई है, तो पूरे घर के सामने डेकोरेशन और लाइट्स लगे रहती है यहाँ पे। मेरे यो कैनेडा व्लॉग्स में आपको कनाडा के बहुत सारे ब्लॉग की वीडियो मिल जाएगी और यूएस की भी, तो इस चैनल में जरूर विजिट करके देखिए और भी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।